हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे ट्यूब में लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स इस वीडियो से पहले अपन ने एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी की थी जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं तो आइए बात करते हैं लाइन फोकस प्रिंसिपल के बारे में फ्रेंड्स लाइन फोकस प्रिंसिपल के बारे में जानने से पहले एक्सरे ट्यूब के फोकल स्पॉट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स एक्सरे ट्यूब में दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है फ्रेंड्स जब एक्सरे ट्यूब पर हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से हाई एनर्जी के साथ एनोड पर स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है कैथोड से आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम एनोड के जिस एरिया पर स्ट्राइक करती है उस एरिया को फोकल स्पॉट कहा जाता है यही एरिया लाइन फोकस प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फोकल स्पॉट पर आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 99 परसेंट तक हीट में कन्वर्ट होती है ओनली वन परसेंट एनर्जी ही एक्सरे में कन्वर्ट होती है केथोड से आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम एनोड की सरफेस पर इतनी ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करती है जिससे एनोड पर टंगस्टन मेल्ट हो सकता है तो हमेशा एनोड पर फोकल स्पॉट लार्ज होना चाहिए फोकल स्पॉट टू टाइप के होते हैं एक है एक्चुअल फोकल स्पॉट सेकेंड है इफेक्टिव फोकल स्पॉट तो पहले एक्चुअल फोकल स्पॉट के बारे में बात करते हैं एरिया ऑन एनोड स्ट्राइक बाई इलेक्ट्रॉन इसको इस डायग्राम के हेल्प से अपन समझते हैं जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड पर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम जिस एरिया या जिस साइज में इंटरेक्ट करती है उसे ही एक्चुअल फोकल स्पॉट कहा जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह जो इलेक्ट्रॉन बीम का एरिया बन रहा है और एनोड पर इलेक्ट्रॉन बीम इंटरेक्ट कर रही है वही एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है सेकंड है इफेक्टिव फोकल स्पॉट जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरे डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर निकलती है एक्सरे बीम नीचे की ओर जिस साइज में निकलती है उसे ही इफेक्टिव फोकल स्पॉट कहा जाता है इफेक्टिव फोकल स्पॉट लेस देन एक्चुअल फोकल स्पॉट जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वह एक्चुअल फोकल स्पॉट से छोटा होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक्चुअल फोकल स्पॉट बड़ा होता है और इफेक्टिव फोकल स्पॉट छोटा होता है इफेक्टिव फोकल स्पॉट इक्वल एक्चुअल फोकल स्पॉट इनटू साइन थेटा, वेयर थेटा इज द एनोड एंगल यहाँ थेटा एनोड एंगल होता है अब लाइन फोकस प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं द लाइन फोकस प्रिंसिपल इन रेडियोग्राफी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल फोकल स्पॉट ऑन द एनोड सरफेस एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज मतलब रेडियोग्राफी में लाइन फोकस प्रिंसिपल एनोड सरफेस पर एक्चुअल फोकल स्पॉट और इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है द एरिया ऑफ द एक्सरे ट्यूब एनोड फ्रॉम विच द एक्सरे फोटोन आर इमिटेड कॉल्ड एक्चुअल फोकल स्पॉट एनोड एक्सरे ट्यूब का वह एरिया होता है जिस पर एक्सरे फोटोन इमेट होते हैं उसे एक्चुअल फोकल स्पॉट कहा जाता है द इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज द एरिया प्रोजेक्टेड ऑन टू पेशेंट एंड फिल्म मतलब लाइन फोकस प्रिंसिपल यह बताता है कि इफेक्टिव फोकल स्पॉट पेशेंट और फिल्म पर प्रोजेक्टेड एरिया होता है फोकल स्पॉट साइज ऑलवेज मेक रेफरेंस टू द इफेक्टिव फोकल स्पॉट मतलब फोकल स्पॉट का साइज हमेशा इफेक्टिव फोकल स्पॉट का रेफरेंस होता है डायग्नोस्टिक ट्यूब द टारगेट रेंज फ्रॉम 5 टू 15 डिग्री मतलब डायग्नोस्टिक ट्यूब में टारगेट एंगल या एनोड एंगल 5 से 15 डिग्री होता है अब लाइन फोकस प्रिंसिपल के एडवांटेज के बारे में बात करते हैं इट प्रोवाइड्स द शार्पनेस ऑफ द स्मॉल फोकल स्पॉट विद द हीट कैपेसिटी ऑफ द लार्ज फोकल स्पॉट मतलब लाइन फोकस प्रिंसिपल लार्ज फोकल स्पॉट की हीट की कैपेसिटी के साथ स्मॉल फोकल स्पॉट की शार्पनेस प्रोवाइड करता है मतलब यह गुड रेडियोग्राफिक इमेज देता है स्मॉलर टारगेट एंगल विल प्रोड्यूज स्मॉलर इफेक्टिव फोकल स्पॉट एंड शार्पर इमेजेस मतलब जो स्मॉल टारगेट एंगल होता है वह स्मॉलर इफेक्टिव फोकल स्पॉट और शार्पर इमेजेस को प्रोड्यूस करता है लाइन फोकस प्रिंसिपल के कुछ एडवांटेज होते हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है फर्स्ट है एरिया कवरेड बाय द बीम रिड्यूज विथ टारगेट एंगल मतलब बीम के द्वारा कवर किया गया एरिया टारगेट एंगल के साथ कम हो जाता है इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं अगर हम एनो टारगेट एंगल को कम करेंगे तो फील्ड साइज भी कम हो जाएगा तो आप जिस पार्ट का एक्सरे कर रहे हैं वह पार्ट पूरी तरह से कवर नहीं होगा इस सेकेंड वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें एनोड का एंगल कम है तो स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट भी कम होगा और आप फर्स्ट वाले डायग्राम में देख सकते हैं इसमें एनोड टारगेट एंगल ज़्यादा है तो इसमें फील्ड साइज भी ज़्यादा होगी सेकेंड लिमिटेशन है एनोड हेल इफेक्ट इस टॉपिक के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा